स्वागत आपका ऑटोस पे, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मेरे पास ये कार जो कि है मर्सिडीज की ए क्लास, ये A200 वेरिएंट आप इस वक्त देख पा रहे हो। आज के इस वीडियो में एज ऑलवेज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर स्पेस। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह की गाड़ी जो है वो आपको चलाने में देखने के लिए मिल जाती है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द वॉक अराउंड ऑफ द कार। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फ्रंट प्रोफाइल आपको इस गाड़ी से देखने के लिए मिल जाएगा। नई डिजाइन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आपको जो नई ई क्लास है और सी क्लास है वहां पे भी आपको जो है कुछ इस तरह का डिजाइन जो है देखने के लिए मिल जाता है। सो राइट इन द सेंटर यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है मर्सिडीज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और डायमंड शेप में यहाँ पे जो है कुछ स्पॉट वाले ग्रिल, यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह की ग्रिल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ ऊपर पे भी आपको जो है मर्सिडीज बेंज का जो है वो लोगो देखने के लिए मिलता है। तो दो लोगो यहाँ पे आपको जो है इस गाड़ी पे देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं अबाउट द हेडलाइट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑल एलईडी लाइट्स आपको मिलती है। ये वाला आपका DRL दिया गया है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है एंड दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे भी जो है आपको ग्रिल का जो है कंटिन्यूएशन यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से दिया गया है जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। ये ब्लू कलर जो है ये भी काफी बेहतरीन लगता है इस गाड़ी पे बाय द वे। और टोटल 6 कलर में ये गाड़ी आती है। ब्लैक आपको मिल जाएगा, व्हाइट, सिल्वर। सिल्वर में एक्चुअली दो आपको जो है सिल्वर कलर्स अवेलेबल है, ब्लू है और आपको ग्रे कलर भी अवेलेबल हो जाएगा। अब साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफी बेहतरीन डिजाइन यहाँ पे आपको अगेन देखने के लिए मिल जाता है। और लेंथ के मामले में किसी भी तरह से ये गाड़ी जो है आपको यहाँ पे छोटी नहीं लगने वाली है, काफी बेहतरीन यहाँ पे आपको जो है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिल जाता है। बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप जो है वो कवर करती है साइड प्रोफाइल को। और मिरर्स में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह के मिरर्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पैसिव एंट्री के लिए कोई बटन या फिर जो है पैसिव एंट्री का सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता है बाय द वे। तो मैं पहले आपको चाबी दिखाता हूँ। गाड़ी की चाबी कुछ इस तरह से आपको जो है काफ़ी सिंपल और नॉर्मल की यहाँ पे आपको मिलती है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इस चाबी का। यहाँ पे आपको 3 बटन दिए गए, लॉक के लिए बटन है, अनलॉक के लिए बटन है और बूट ओपन करने के लिए बाय द वे यहाँ पे आपको बटन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इंटीरियर क्विकली आपको दिखाता हूँ और फिर हम लोग जो है बाकी इंटीरियर जो है डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइल आपको मिलता है। अगेन काफ़ी ब्यूटीफुल लाइट्स यहाँ पे आपको देखने के मिलती है, सारी LED लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है आपका एग्जॉस्ट वेंट बाय द वे यहाँ पे जो है ओपनिंग दिया गया है, लेकिन ये जो है फंक्शनल नहीं है बाय द वे। आपका जो फंक्शनल एग्जॉस्ट है इट इज समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे आई होप कि आपको जो है दिख पा रहा है। सो दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे पीछे भी आपको जो है क्रोम की एक लाइन मिलती है। यहाँ पे अगेन आपको जो है एक स्पोर्टी टच ऐड करने के लिए कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पे आपके एग्जॉस्ट टिप्स जो है वो दिए गए हैं। सेंटर में अगेन यहाँ पे आपको जो है आपका मर्सिडीज बेंज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। A200 का बैज दिया गया है। आपके टेल लाइट्स कुछ इस तरह से लगते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो है आपका आई थिंक यहाँ पे जो है जैसे आप रिवर्स करेंगे तो ये नीचे आता है। आई थिंक आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ से निकलता है। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा आपको जो है एक छोटा क्लिप ऐड करने के लिए। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली आपको इस गाड़ी में जो है काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे एंड दैट इज़ अबाउट इट। मूविंग ऑन टू दिस साइड, अगेन सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अबाउट द बूट। मैंने आपको बूट स्पेस नहीं दिखाया तो पहले बूट देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द टायर प्रोफाइल और फिर हम लोग जो है इसके स्पेस में और फीचर्स में चलेंगे। तो यहाँ पे 405 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। 405 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। काफ़ी डीप बूट है, काफ़ी यूजफुल बूट यहाँ पे आपको मिल जाता है। साइड में यहाँ पे देयर इज सम स्पेस, यहाँ पे भी आपको जो है छोटी सी स्पेस मिल जाती है। आई थिंक इसके नीचे आपको आपका स्पेयर व्हील जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड दैट इज अबाउट इट। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिकली हाथ डाल के क्लोज करना पड़ेगा, बटन नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो एक इल्यूमिनेशन आई थिंक आपकी नंबर प्लेट के लिए, आई थिंक किसी के लिए तो भी लाइट यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द टायर प्रोफाइल। तो आगे और पीछे बाय द वे आपको सिमिलर टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है दैट इज 205/55R17। और जो ये अलॉय व्हील्स का डिजाइन है काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है आपको अलॉय व्हील्स का डिजाइन देखने के मिल जाएगा। ब्लैक और सिल्वर का यहाँ पे फिनिश आपको मिलती है और मर्सिडीज बेंज का ऑब्वियसली लोगो आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली है ऑन द एक्सटीरियर फ्रंट अबाउट दिस कार। बाय द वे इसके नीचे
आपको एक पडल लैंप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप गाड़ी जब रात को स्टार्ट करेंगे तो नीचे बेसिकली ये लाइट प्रोजेक्ट करता है, लोगो प्रोजेक्ट नहीं करता, लाइट प्रोजेक्ट कर देता है। अब चल गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के फीचर्स आपको इस बेहतरीन और ब्यूटीफुल मर्सिडीज में जो है वो देखने के मिल जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग प्राइस और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो तो मैं गाड़ी जो है तो दरवाजा बंद कर लेता हूँ और गाड़ी को हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बटन दिया गया है, कुछ इस तरह से गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज अबाउट इट। तो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ बटन आपको मिलते हैं, यहाँ से बेसिकली आप जो है टॉगल थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे दो आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी 10.25 इंच की, यहाँ पे दो स्क्रीन आपको मिलती है। ये वाली स्क्रीन यहाँ पे दी गई है और ये आपकी जो है म्यूजिक सिस्टम वाली स्क्रीन है, उस पर हम लोग बाद में चलेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। अब तो यहाँ पे जैसे मैं होम प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो होम में बेसिकली आप जा सकते हो। होम में बेसिकली यहाँ पे इस ये टच पैड दिया गया है, तो इससे आपको जो है आप टॉगल थ्रू कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं साइड में ले लूंगा तो यहाँ पे टेलीफोन आपको दिखा देगा, यहाँ पे नेविगेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो बाय द वे, और यहाँ पे नेविगेशन में कुछ इस तरह से गाड़ी आ जाएगी। यहाँ पे बैक करेंगे तो बैक चली जाएगी गाड़ी, और बैक चली जाएगी इसमें स्क्रीन में। और ट्रिप दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली आपको शो कर देता है, कुछ ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। बैक करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू डू, ओके। वॉइस कमांड भी बाय द वे इस गाड़ी में आपको मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से ये काम करता है। अभी के लिए इसको जो है पहले हम लोग ये स्क्रीन पे फोकस करते हैं और बाकी सारी बातें हम लोग जो है बाद में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको मीडिया बेसिकली आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। स्टाइल्स में आप जा सकते हो, तो यहाँ पे स्पोर्ट में जा सकते हो, प्रोग्रेसिव यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। वाओ दैट इज अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव में कुछ इस तरह से आपको मिलता है। अब जो है मैं आपको और दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, इतनी सारी चीजें हैं। और तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, अंडरस्टेटेड में यहाँ पे कुछ इस तरह से अंडरस्टेटेड आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे, और नीचे स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, यहाँ पे स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट में हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पोर्ट डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। और फिर से ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे क्लासिक जो है कुछ इस तरह से क्लासिक आपको दिखा रहे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप जो है आराम से इस सिस्टम के साथ जो है खेल सकते हो। काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए, काफी सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। बाय द वे इंजन और गियर बॉक्स पे यहाँ पे आपको 8 साल की वारंटी इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे असिस्टेंस आपको दिखाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिलता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के लिए स्विचेस दिए गए हैं, बाय द वे यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट के लिए स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम ऑब्वियसली आप अप डाउन कर सकते हो, आप कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है अगेन 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले पे जो है देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी जो है टच रिस्पांस के मामले में बहुत ही शानदार स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही आप नेविगेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपको जो है ये नेविगेशन यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे फोन आपको दिखा देगा, फोन में आप जो है जा सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो टच रिस्पांस बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको मिलता है। कंफर्ट में अगर आप जाएंगे तो आप बेसिकली सीट की आपकी सेटिंग्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, रिलैक्स आपको पोजीशन चाहिए या फिर किस तरह से आपको सेटिंग्स चाहिए वो आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको काफी सारी दिखा देगा ये, तो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, इंजन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और फ्यूल कंजम्पशन ये बेसिकली आपको दिखा देगा, ओनर्स मैनुअल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और सेटिंग्स में अगर हम जो जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिव ब्रेक असिस्ट बाय द वे आपको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसको बेसिकली आपको अगर आप ऑन रखेंगे तो ये बेसिकली आगे वाली गाड़ी जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रेक्स जो है वो अप्लाई कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं। अटेंशन असिस्ट का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली अगर आपका ध्यान, अगर आपको नींद आ रही है तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी गाड़ी और आपको ये जो है ये एक ब्रेक लेने के लिए कह देगी। ये आपको कॉफी का मग यहाँ पे दिखाती है। ESP तो आपको पता ही है, आपको जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे व्हीकल में जाएंगे तो डायनेमिक सिलेक्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो है विंटर टायर लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डायनेमिक सिलेक्ट में देख लेते क्या क्या मिलता है। तो इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप जो है सेटिंग्स चेंज कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर व्यू कैमरा, यहाँ पे जो है ऑटो रिवर्सिंग आप कर सकते हो। ऑटो रिवर्सिंग में
ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। लाइट्स में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की आपको जो है पर्पल कलर की एम्बिएंट लाइट इस गाड़ी में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगती है। बाय द वे यहाँ पे कम्प्लीटली ये जो है फिनिश्ड में आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी एक प्रीमियम टच बेसिकली एड करता है इस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टाइल सेम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वही सेम चीजें यहाँ पे भी है, और इसमें जाके देख लेते तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जो है वॉइस कमांड दिखा देता हूँ। तो हाई मर्सिडीज, हाउ मे आई हेल्प यू, लोअर टेम्परेचर, आई एम सेटिंग द टेम्परेचर ऑन द ड्राइवर्स साइड टू मिनिमम, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखा आपने कि कुछ इस तरह से इसका जो है सिस्टम काम कर सकता है। काफी सारे वॉइस कमांड बाय द वे ये गाड़ी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, और कनेक्टेड कार फीचर्स भी इस गाड़ी में बाय द वे आपको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी से को जो है आप फोन के साथ पेयर कर सकते हो, और अगर आपकी गाड़ी कोई बेसिकली टो करने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट दे देगा। जियो फेंस का अलर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। जियो फेंस मतलब ये कि आप एक रेडियस सेट कर सकते हो, उसके बाहर जैसे ही आपकी गाड़ी जाएगी तो बेसिकली ये गाड़ी आपको जो है नोटिफिकेशन दे दी है ऑन द स्मार्टफोन, और बहुत सारे आपके फीचर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है व्हीकल का मेंटेनेंस कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो सारी चीजें भी आपको जो है दिखा देगा। आई थिंक उस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो मैं ट्राई करूंगा बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल हम लोग जो इस गाड़ी पे फोकस करता है। तो यहाँ पे जो है आपको टर्बाइन स्टाइल के जो है आपके एयरवेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे 5 एयरवेंट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे 3 दिए गए हैं, वहां पे 1 है, यहाँ पे 1 दिया गया है। और इसको इसका जो ब्लोअर है उसको कम ज्यादा करने के लिए बाय द वे यहाँ से सिंपल आपको जो इसको घुमाएंगे तो ये बेसिकली बंद हो जाती है हवा आनी यहाँ से, और वापस आप इसको घुमाएंगे तो ये फुल फ्लो में जो है एयर आपको दे देगा, और ये डायरेक्शन इसकी जो है कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे सेम आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसी के लिए स्विचेस दिए गए हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, तो अगर आपका फोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग तो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो फोन को। और यहाँ पे आई थिंक आपको जो है USB-C पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे सिगरेट लाइटर दिया गया है, 2 कप होल्डर्स है, तो यहाँ पे आप आराम से बॉटल जो है वो रख पाएंगे। और अगर आपको जो है छोटा ग्लास या बॉटल रखनी है तो यहाँ पे एक बटन मिलता है, ये बटन आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है आप छोटा ग्लास या बॉटल यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है पैड मिलता है, तो ये पैड सिंपल आपको जो है यहाँ से स्क्रोल करके आप यहाँ से जो है ये हैप्टिक फीडबैक भी आपको देता है यहाँ पे, तो इस पैड से कुछ इस तरह से जो है आप आगे पीछे इस चीजों को जो है वो ले सकते हो। एंड दैट इज अबाउट इट। बाय द वे इसका गियर लीवर आपको जो है अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो किसी भी तरह का लीवर आपको दिया नहीं गया है, तो कहाँ पे मिलता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डायनामिक आपको जो है दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये जैसे ही आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 4 मोड्स आई थिंक मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मोड आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट मोड में गाड़ी डाल सकते हो आप, इको कम्फर्ट में डाल सकते हो। स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगा देखने के लिए, कम्फर्ट और इको में, कम्फर्ट में आपको कम्फर्ट मिलेगा और इको में आपको जो है माइलेज बेटर देगी गाड़ी। और यहाँ पे अगेन सेम चीज है, यहाँ पे ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स में आप आ सकते हो, यहाँ पे फेवरेट्स के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे वॉल्यूम के लिए आप कम ज्यादा कर पाएंगे। बाय द वे यहाँ पे जो इसमें एक नर्ल्ड फिनिश दी गई है यहाँ पे, जो कि काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है ये देखने में लगती है। यहाँ पे नेविगेशन और मैप आप चेंज कर सकते हो, रेडियो मीडिया ये सारी चीजें हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे सिर्फ हाथ रखने के लिए आपको, तो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। ये बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इतना जो है स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके यहाँ पे ग्लव बॉक्स में छोटा सा। और यहाँ पे आपको जो है अगेन USB-C टाइप का यहाँ पे जो है चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा। सीट जो है वो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल आपको मिलती है यहाँ पे, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बेज कलर में सीट जो है काफी प्रीमियम लगती है। इसका लंबर सपोर्ट, इसका जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है वो भी आप जो है वो कम ज्यादा कुछ इस तरह से जो है वो कर पाएंगे। अब मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स कुछ इतने साइज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी डिसेंट साइज है। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे IRVM जो है ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे लाइट्स जो है आई थिंक ये जो है कुछ इस तरह की लाइट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे रीडिंग लाइट बाय द वे इधर मिलती है आपको, तो ये लाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। और ये जो है यहाँ पे बेसिकली SOS के लिए बटन आपको मिलता है, तो अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो यहाँ पे SOS के लिए बटन आपको मिल जाता है। कॉल मी के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो या आई थिंक पीछे वाली लाइट्स के लिए जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पीछे वाली लाइट ऑन हो चुकी है, तो ये लाइट्स के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है देखने के लिए। और ये वाला इस वाली लाइट के लिए काफी ब्राइट लाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, और काफी ब्यूटीफुल लाइट्स इस गाड़ी में जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो है इसका मेन चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है इसका सनरूफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है जैसे मैं पीछे करूंगा तो सिंगल प्रेस करना है और ये सनरूफ जो है कुछ इतना ओपन हो जाता है,
और ये काफी डिसेंट स्पेस है बाय द वे, अगर आपको खड़े रहकर फोटोज वगैरह खिंचा रहा है तो आप जो है आराम से इसके बाहर निकल सकते हो। लेकिन आपको ड्राइविंग करते हैं तो ऑब्वियसली जो है किसी बच्चे को या फिर खुद को आपको जो है बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए, एक सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। और वापस इसको क्लोज करने के लिए सिंपल आपको एक प्रेस करना है और ये जो है सनरूफ को जिस तरह से जो है वो क्लोज हो जाएगा। और वापस ये सनशेड क्लोज करने के लिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे भी चला जाता है, वापस सनशेड क्लोज करना है तो ये कुछ इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। That is beautiful. वापस मैं आपको खोल देता हूं ताकि गाड़ी के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा लाइट आ पाए। ओके, सो ये सारी चीजें हैं अबाउट द ए क्लास। और सेफ्टी फीचर्स के मामले में 7 एयरबैग्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, आपका ESP, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। और बाय द वे यहाँ पे आपको लिवर मिलता है, हेडलाइट आपका वाइपर के लिए लिवर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आपकी गियर स्टिक देखने के लिए मिलती है। तो मर्सिडीज बेंज को चलाते कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पे ब्रेक पेडल पे जो है ब्रेक पेडल प्रेस करना है और इसको सिंपली जो है आपको जो है नीचे का, इसलिए फोकस नहीं कर रहा है। ओके, सो नाउ इट इज फोकसिंग। तो ये जैसे आप नीचे करेंगे तो गाड़ी ड्राइव में चली जाएगी और बेसिकली आप जो है आगे ड्राइव कर सकते हो। इसको न्यूट्रल में अगर आप डालना है तो थोड़ा ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल चली जाएगी गाड़ी, और वापस आप ऊपर करेंगे तो ये रिवर्स चली जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये बटन में जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे दो व्यूज आपको जो है कुछ इस तरह से ये जो है दिखा देता है। और यहाँ पे बटन आपको एक मिलता है तो ये बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दैट इज अबाउट इट। बाय द वे इसमें और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं रिवर्स ले रहा हूँ गाड़ी को या फिर मैं आगे चला रहा हूँ तो मैं आपको जो है छोटा एक डेमो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी ड्राइव में डालता हूँ और मैं जो है ये आगे ले रहा हूँ, ठीक है। और आगे करके मैंने जो है दरवाजा अगर मैं खोल देता हूँ इसका, तो जैसे कि आपने देखा ये ड्राइव से ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है गाड़ी, पार्किंग मोड में चली जाएगी और ड्राइव से जो है वो हट जाती है गाड़ी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल अगेन यहाँ पे जो है फीचर मिलता है। तो फीचर के मामले में ये गाड़ी जो है लोडेड आपको बेसिकली मिलती है, फीचर के मामले में जो है ये गाड़ी आपको जो है लोडेड देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। अब जो है हम लोग जो है सेकेंड रो में चलते हैं। बाय द वे गाड़ी में पार्क में डाल देता हूँ, पार्क में चली गई है गाड़ी और स्विच ऑफ कर लेता है। बाय द वे आइडल स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे बटन आपको दिया गया है, तो ये सिग्नल पे जैसे ही आप आएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन बंद हो जाएगा और जैसे ही आप सिर्फ एक्सेलरेटर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सो कुछ इस तरह से वो चीजें काम करती है। अब हम लोग जो है बेसिकली बात कर लेते हैं अबाउट द सेकेंड रो स्पेस। भाई जब मैंने आपको डोर पैड शायद नहीं दिखाया, तो यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप जो है बूट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली और एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको फीचर मिलता है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेमोरी फंक्शन मिलता है सीट के लिए, तीन लोगों की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है, भाई जब मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी ब्यूटीफुल ये लगता है। सो मैं बात कर रहा था अबाउट द सीट्स, तो यहाँ पे आपको तीन मेमोरी फंक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में तीन लोग हैं जिनकी हाइट है 6 feet tall, कोई अगर 5'7" है, कोई अगर 5'5" है, तो उनके ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से आप बेसिकली इस सीट को सेट कर सकते हो। ये बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उस बंदे के हिसाब से जो है सीट एडजस्ट हो जाएगी। इसको आप पीछे करेंगे तो गाड़ी सीट जो है यहाँ पे जो है पीछे कुछ इस तरह से मूव हो जाती है। इसको मैं आगे कर लेता हूँ तो ये आगे कुछ इस तरह से मूव हो जाती है, और इसको आप रिक्लाइन भी जो है रिक्लाइन कर सकते हो कुछ इस तरह से, एंड दैट इज अबाउट इट। आई थिंक इसको जो है हाइट भी आप जो है ऊपर बढ़ा सकते हो, जो ही बहुत ही अच्छी बात है। अब जो है सेकेंड रो में चलते हैं। और भाई देखिए यहाँ पे आपको एक ये भी देखने को मिलता है, लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये काफी ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे अगेन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड रो स्पेस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, बाय द वे मैंने जो सीट है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, इट इज समवेयर इन द मिडिल। और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको इस गाड़ी में जो है देखने के लिए मिलता है इन द सेकेंड रो। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रो में आ चुका हूँ अभी, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो है बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, सीट के नीचे आपको जो है पैर फैलाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। लेग रूम आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, जो आपका नी रूम है वो काफी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट भी काफी बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और शोल्डर रूम की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो है दो लोगों को आराम से बिठा पाएंगे। बाय द वे बीच में आप बच्चे को बिठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हम्प है, तो मैं आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ। तो मिडिल पैसेंजर अगर यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, मतलब यानी कि इस पे तो आप पैर ऑब्वियसली नहीं रखोगे, तो यहाँ पे आपको साइड में पैर को एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है नजारा जो है एंजॉय कर सकते हो। तो मिडिल पैसेंजर बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे बेटर रहेगा दो एडल्ट्स और एक बच्चे को आप बिठाए। और यहाँ पे आई थिंक आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है विथ टू कप होल्डर, जो कि काफी एक ब्यूटीफुल टच अगेन यहाँ पे आपको मिलता है।
और यहाँ पे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको लाइट मैंने दिखाई दिया है पहले, तो ये लाइट यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलती है आपको। और ये जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कितना स्मूथली ये नीचे आता है, ये हुक दिया गया है, तो आप अपने जो है ब्लेजर्स यहाँ पे टांग सकते हो और फिर ऑफिस में जाके जो है आप बड़ी बड़ी आपकी मीटिंग्स जो है वो अटेंड कर पाएंगे आप। और ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे आपको जो है इस गाड़ी में देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो है लाइट दी गई है और यहाँ पे हुक आपको जो है ये वाला देखने के लिए मिल जाता है। एंड दैट इज अबाउट इट, सो दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली आपके न्यूज़पेपर या मैगजीन रख पाएंगे। यहाँ पे पीछे भी आपको एयर वेंट्स, एसी वेंट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी प्रीमियम यहाँ पे टच दिया गया है, आपको सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसके नीचे यहाँ पे आपको छोटा स्पेस मिलता है, अगेन यहाँ पे आपको जो है यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा 5 वोल्ट का, तो आप फोन पीछे जो है पैसेंजर जो है चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे पीछे भी को ड्राइवर सीट पे भी आपको पीछे मैगजीन होल्डर मिलता है। और डोर पैड्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप आई थिंक छोटी आधे लीटर की बॉटल आप रख पाएंगे। ये जो फिनिश मिलती है आपको काफी ब्यूटीफुल मिलती है। डोर हैंडल पे भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है। पावर विंडो के लिए ऑब्वियसली आपको स्विच मिल जाता है देखने के लिए। सो गाइस, आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली है। बाय द वे, मैंने आपको इसका म्यूजिक सिस्टम नहीं सुनाया है, मैंने उस स्टार्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन आप जो है इंस्टाग्राम पे मैं आपको जो है उसका डेडिकेटेड एक वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सनरूफ कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मर्सिडीज ए क्लास। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये A200 वेरियंट है और इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि बनाता है 163.15 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का ये गाड़ी आपको टॉर्क बना के देती है। बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको मिलता है और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी शानदार आपको ये इंजन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। 0 to 100 ये गाड़ी चली जाती है, आई थिंक 8.1 या 8.3 सेकेंड्स के आसपास ये गाड़ी जो है 0 to 100 टच कर देती है। सेपरेट मैंने आई थिंक वीडियो भी बना लिया है आप लोगों के लिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियो भी आपको इस गाड़ी का देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिंक पे जो है क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे। अगर वो वीडियो इसमें नहीं है तो आपको जो है इसके बाद वाला वीडियो आपको जो है चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी शानदार इंजन आपको मिलता है। नाउ दिस इंजन कम्स पेड टू अ 7-speed DCT। ए क्लास में आपको जो है एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। डीजल इंजन के बारे में हम लोग आज नहीं बात करने वाले हैं। उसमें आपको 8-speed का DCT मिलता है, इसे यहाँ पे आपको 7-speed का जो है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो ही काफ़ी स्मूथ है इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स, काफ़ी बेहतरीन ब्यूटीफुल शिफ्ट्स आपको ये गियरबॉक्स दे देता है। काफ़ी फास्ट भी है शिफ्ट के मामले में, तो किसी भी तरह की आपको जो है शिफ्टिंग रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाता है, तो मैन्युअली यू कैन बेसिकली टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स, टेक कंट्रोल ऑफ द गियरबॉक्स। अब बात करते हैं अबाउट माय पर्सनल फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ अ कार, विच इज द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। तो राइड क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, तो ख़राब सड़कों से जब आप इस गाड़ी को लेके जाएंगे तो ये जो है डिसेंट आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन ख़राब सड़कों पे आपको जो है थोड़ी धीरे लेके जानी पड़ेगी। हाईवेज पे आप जब दौड़ाएंगे इस गाड़ी को, तो गाड़ी चिपक के चलती है और इसका हैंडलिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट जो है आपको जो है हैंडलिंग के मामले में ये गाड़ी जो है काफ़ी इंप्रेस किया है मुझे। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तो बाय द वे ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वे अप कर लेता है। फील एंड फीडबैक जब आप इसको सिटी में भी चलाएंगे, 10-20 की स्पीड पे भी चलाएंगे आप, तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वे अप करता है और ये बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी से जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो राइड क्वालिटी जो है, राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस के मामले में मर्सिडीज़ ने बहुत ही शानदार काम किया है इस गाड़ी पर, और राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस आपको जो है काफ़ी ब्यूटीफुल इस गाड़ी से जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट द ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी प्रोग्रेसिव और अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बहुत सडन आपको ब्रेकिंग नहीं मिलती है बाय द वे। और बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, 7 एयरबैग्स, ABS, CVT, ब्रेकर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सो गाइस, आई थिंक मैं सारी चीज़ें कवर कर ली अबाउट दिस कार। अब बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग और किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो प्राइसिंग की बात की है तो ये A200 एक ही वेरिएंट आता है, टॉप एंड वेरिएंट यही है और इसमें ये सारे फीचर्स, ये जो है ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो यही सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी जो प्राइस है दैट इज 41.55 लाख रुपीज एक शोरूम, ऑन रोड ये गाड़ी हो सकता है आपको 50 लाख के आसपास जो है, 50 लाख्स के आसपास ये गाड़ी आपको जो है ऑन रोड पड़ जाए। एट दिस प्राइस पॉइंट अगर आपको एक रिफाइंड पेट्रोल इंजन के साथ एक लग्जरी ब्रांड चाहिए, बाय द वे इसका इंजन और गियरबॉक्स पे आपको 8 साल की वारंटी मिलती है, जो ही काफ़ी अगेन बेहतरीन बात है,
तो आपको अगर आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको हैंडलिंग राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस आपको बेहतरीन चाहिए किसी गाड़ी से, और अगर आपको 50 लाख के बजट में एक प्रीमियम ब्रांड चाहिए, टॉप नॉच ब्रांड चाहिए, तो मर्सिडीज ए क्लास A200D आप बेसिकली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डीजल चाहिए तो डीजल वेरियंट A200D आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके ऑन रोड प्राइसिंग आपको शायद 3 लाख और पे करने पड़ेंगे उस इंजन के लिए, उस वेरियंट के लिए। सो गाइज, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है, और इसका जो माइलेज है वो माइलेज टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ मैंने आपको मैं ट्राई करूंगा आपको फ्यूचर में इसका एक माइलेज टेस्ट करने के लिए भी, ताकि आपको जो है जितने भी व्यूअर्स है, अगर आपको कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ARAI फिगर डेफिनेटली आपको जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो है प्रैक्टिकल माइलेज फिगर जो है हम लोग जो है फ्यूचर में ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी यूजफुल फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अगर आपके कुछ सवाल है तो शॉर्ली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और 50 लाख की ये गाड़ी है, और एक 50 लाख की अगर मैं यहाँ पे मर्सिडीज ए क्लास खड़ी कर दूँ तो बन जाते हैं 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए के लिए आप खरीद सकते हो बेसिकली एक लैंड रोवर डिफेंडर, अगर आपको एक SUV चाहिए। और जो लोग मर्सिडीज की अगर आप ए क्लास खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली एक सेडान आपके पास आ गई है, और अब आपको जरूरत है एक SUV की, तो आप लैंड रोवर के डिफेंडर जो है उसका वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया है, तो उसका लिंक यहाँ पे आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं आपको GLA GLE का भी और GLS का भी वीडियो में ट्राई करूं आपके लिए बनाने के लिए। आई होप कि फ्यूचर में वो जो है वो कभी पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।